मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। सबसे पहले मैं आज जो पूरी कंट्री में बहुत बड़ा रिजल्ट आया उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जिस लड़के को इस फिल्म इंडस्ट्री में लाया, रवि किशन, वो मेरी पहली फिल्म थी पीताम्बर। आज मुझे न्यूज़ मिली है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है गोरखपुर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रवि किशन। सेकेंड चीज़ अब ये है कि इस फिल्म की जब हमने स्टोरी सेलेक्ट की थी तो कुछ सोचा कि कुछ रन ऑफ द मिल से कुछ सेपरेट स्टोरी लेके आए, तो हमने फिर कुछ फिल्म से हमने फिर इंस्पिरेशन भी लिया जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है, थोड़ी सी इशू बेस्ड फिल्म, फिर हमने ये स्टोरी सेलेक्ट की। और उसके बाद हमने फिर आइडियल एक्टर जो है जो हमको इसमें सपोर्ट करे, इस रोल को जो है जस्टिफाई करे, फिर उसके लिए हमने रणवीर शौरी को चूज़ किया क्योंकि ही हैज़ डन दिस काइंड ऑफ फिल्म्स इन द पास्ट ऑल्सो एंड इज़ डूइंग ऑल्सो नाउ, तो एंड ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द फिल्म। पूरी फिल्म जितनी भी ग्लैमर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, चाहे फिल्म्स हो चाहे एड्स हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ दिखाई देती है वो जो फिज़िकल फॉर्म दिखाई देता है वो है कपड़ों का। और कपड़े मतलब फिर कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, तो फैशन से रिलेटेड हो जाता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और आज की तारीख में वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेल यू हैव टू सेल थ्रू फैशन ओनली। तो हमने ये जो स्टोरी एक यूनिक स्टोरी ली थी उसको हमने उसका बैकड्रॉप जो है फैशन का रखा और उसमें आपके सामने हमने रिजल्ट रखा हुआ है। फिल्म इमरान जी ने अच्छी बनाई है एंड ऑल द एक्टर्स हैव डन अ फैबुलस जॉब इन इट। सॉन्ग्स आर गुड। फिल्म आज के यूथ की है और यूथ को अच्छी लगेगी। तो ये बताइए कि ये फिल्म का कॉन्सेप्ट है, आपने मतलब इंस्पायर गया, ये यूथ की पिक्चर है, ही केम विद द सब्जेक्ट कि भाई ये है, तो आई एग्रीड टू हिम कि भाई ठीक है हम बनाते हैं। और इमरान सर की सबसे खास बात जो डायरेक्टर के तौर पर मतलब क्रिएटिविटी में क्या अच्छी खास बात नजर आई? वेरी क्रिएटिव मैन, शॉर्ट्स को अच्छे कैन करते हैं, जो बारीकी होती है वो जानते हैं, यही कह सकता हूँ। डेफिनेटली हम लोग इसको इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन में ट्राई करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं और सब लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया है, सो आई होप कि इट विल वर्क वेल। स्टोरी बहुत अच्छी थी और बहुत ही ग्रिपिंग थी पूरी और म्यूजिक बहुत अच्छा है, टोटल पैसा वसूल। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्टिंग थी, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी और जो एक्चुअल फैक्ट है जो आज के जो नॉर्मल ऑन द रैम फैशन शो के बारे में वो दिखाई मूवी में और बहुत बढ़िया मूवी है। सब मुझे लगता है सबने ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू। सबकी एक्टिंग अच्छी और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। 3 stars out of 5। थैंक यू। हाँ जी, हाँ पूछो सवाल पूछो। फिल्म का बताइए कि फिल्म का प्रिंस को भी जो है मतलब फैशन वर्ल्ड को सिखा के रणवीर शौरी की एक्टिंग में खूबियाँ क्या कहना है?
देखिए रणबीर शोरी की मैंने कई फिल्में देखी हुई हैं, वो एक्टर तो बहुत अच्छा है ही है, और बेसिकली इस फिल्म में मुझे अच्छी क्या बात लगी, फैशन से रिलेटेड एक हर आदमी स्टार नहीं होता, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, और नसीब की जरूरी होता है, नसीब का साथ तो होना ही चाहिए, बाकी उसके अपनी मेहनत लगन और तो साथ में सब आ ही जाता है। एक अकेला चला था कारवा लेकर, बाद में लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया, वही चीज इस फिल्म में दिखाई गई। फिल्म अच्छी है, एक पारिवारिक मनोरंजन है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा वो एक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म एक मैसेज देती है कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट डू इट विद योर फुल कन्विंसिंग थॉट, सक्सेस जरूर मिलेगा। सॉन्ग सर अच्छे लगे हैं, दोनों गाने पर दो गाने मैंने बहुत अच्छे लगे मुझे, एक तो रोमांटिक सॉन्ग है और एक जो जिसमें ये लोग इकट्ठा होकर जब पूरा चक दे इंडिया याद आ गया मुझे। थ्री एंड हाफ This is one of the best movies made on fashion. Okay. Literally. Ranveer Shori is one of the best actors we have, and this is one of his finest performances he has ever given. Out of 5 stars. 4. Thank you. Good. And you have been acting with the really kaise lagi aur अभिनय के दृष्टिकोण से सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और ख़ासतौर पे हीरो हमारे रणवीर जी बहुत अच्छा, उन्होंने उनका बहुत ही अच्छा रोल लगा, और स्टोरी फिल्म की लाजवाब है क्योंकि फैशन वर्ल्ड को जितनी भी फिल्में अभी तक आई उनको देखा, और इस फिल्म को देखने के बाद में लगा कि स्ट्रगल्स के साथ काफ़ी न्याय इस फिल्म में दिखाया गया। 4। और एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए बड़ी लाइट है, इसमें कुछ वायलेंस नहीं है कुछ भी, मतलब फैशन इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक घरेलू पिक्चर ही है, और अच्छी दोस्ती आ रही है, अच्छी दिखाई है सब में, अच्छी ट्यूनिंग दिखाई है, जितनी भी मॉडल्स हैं जितने भी इसमें कैरेक्टर्स ने काम किया है, तो मुझे लगता है सबको जाके देखनी चाहिए एक बार ही तो ये पिक्चर, और सपोर्ट करना चाहिए फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर।